इतने सारे डिजाइन वगैरह हैं काफी सारे, और हमने भाई इनमें से बहुत सारे डिजाइन देखे लेकिन हमें तो सही लग रहे। टायर देखो भाई, ऐसा लग रहा है जैसे ऑफ रोडिंग करने के लिए बने हुए हैं भाई। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भाई एक और नई वीडियो में। तो भाई आज मैं आया हूँ मायापुरी मार्केट, और आज भाई मैं अपने एक दोस्त की भाई बलैनों में अलॉय व्हील डलवाना चाह रहा हूँ भाई। तो मैं आपको दिखाऊंगा भाई सारी चीजें कि हम क्या क्या डलवा रहे हैं और कैसे कैसे क्या 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 चीज करवानी चाहिए। आज मैं आपको प्रॉपर मतलब एक तरीके से जो प्रोसेस होता है ना वो सारी चीजें दिखाऊंगा भाई, क्या क्या करवाना चाहिए सेकंड हैंड अलॉय व्हील डलवाने के लिए। तो वो सारी चीजें भाई आप वीडियो स्किप मत करना, और मैं दिखाता हूँ भाई आपको क्या क्या कौन कौन से डिजाइन हम देख रहे हैं और क्या क्या हम डलवा रहे हैं भाई, वो चीज हम दिखाएंगे। तो भाई ये अपनी शॉप, और शॉप पे भाई इतने सारे डिजाइन वगैरह हैं काफी सारे, और हमने भाई इनमें से बहुत सारे डिजाइन देखे लेकिन हमें तो सही लग रहे भाई। एक तो हमने ये पीस निकाला भाई, और एक ये रहा, ये अपने 18 इंची वाले भाई, ये अपने 18 इंच में है। तो इसकी प्रोफाइल भाई है अपनी, भाई इसकी प्रोफाइल है 235 40 18, ये प्रोफाइल है, ये रही अपने यहाँ पे। और फिर उसके बाद हमने भाई ये वाला डिज़ाइन देखा है। अब ये वाला डिज़ाइन भाई देखो कुछ यूनिक है, X2 के अलॉय व्हील है भाई ये अपने, और इसकी प्रोफाइल भी भाई सेम यही है 235 40 18, और ये थोड़ा ना कॉन्केव वाला है, तो मेरे ख्याल से 9J या 10J की इसकी वो है चौड़ाई जो है। बाकी भाई डिज़ाइन तो बढ़िया लग रहा है, और ये देख रहे हो भाई टायर देखो भाई, ऐसा लग रहा है जैसे ऑफ रोडिंग करने के लिए बने हुए हैं भाई। तो अपनी गाड़ी में भाई सूट भी कर रहे हैं ये, तो अब देखते हैं भाई। और निकले हुए इतने हैं भाई, इतने बाहर निकले हुए हैं भाई ये बॉडी से, ये देख रहे हो आप इतने बाहर निकले हुए हैं। तो देखते हैं भाई इनका क्या हिसाब किताब बनता है। अलॉय व्हील की तो बात हुई नहीं थी, मतलब रेट वगैरह में ठीक नहीं लग रहे थे भाई। अभी हमने दूसरी जगह पे ट्राई करा था तो वही सेम पीस हमें मिल रहे थे, बट भाई हमने अपने हिसाब से बजट के अकॉर्डिंग भाई जो भी थे वो बोल दिया उनको प्राइस, पर भाई वो मान नहीं रहे। तो अभी हमने दूसरी दुकान पे भी मतलब और जगह पे ट्राई करा, कोई बढ़िया पीस नहीं मिल रहा, मतलब जिस तरीके का चाहिए ना अपने को है ना वो चीज़ नहीं मिल रही। बाकी है तो भाई ऑप्शन तो बहुत सारे, पर कुछ रीपेंटेड है कुछ हुआ है भाई, और इनमें ना यहाँ पर भाई सेकेंड हैंड लेने के लिए ना बहुत बहुत दिमाग लगाना पड़ता है भाई, टायर भी देखना पड़ता है, मतलब कई सारी चीज़ें होती है भाई इनके पास में, बहुत से ऑप्शन है। इधर देखो आप इस साइड में अलॉय व्हील थे इनके पास में, ये यहाँ पे अलॉय व्हील रखे हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शन है भाई, ऑप्शन बहुत हैं, पर भाई वही है कि दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ जाता है। अब हम देख रहे हैं कोई बढ़िया मिल जाएगा तो ठीक है। कौन सा पसंद आया, तूफानी? हमारे को भाई जो पसंद आया था ना आपने देखा होगा भाई, वो तूफानी वो समझ में आ रहा था, क्योंकि भाई यूनिक सा था एक वो समझ में आ रहा था, लेकिन भाई गाड़ी रेट में कुछ ज्यादा ही। और यहाँ पे देखो ऐसी ऐसी गाड़ियां भी आती है भाई, आड़ी टेढ़ी, मतलब गाड़ी भाई एक्सीडेंटल है, मतलब पलट चुकी है ना, पलटी हुई गाड़ी है ना। और ये देखो अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक भाई, इधर पीछे बॉडी पड़ी हुई है। यहाँ तो इतनी सारी गाड़ियां आती है, इतनी गाड़ी आती है बहुत भाई अलॉय व्हील के मामले में, मतलब कुछ भी यहाँ सारे पार्ट ले लो, जो भी चाहिए गाड़ी का। अभी वो देखा नहीं था टर्बो वगैरह जाने लग रहे थे भाई, जिसको टर्बो चाहिए वो भी आ जाना अपना करोल मायापुरी में, सब मिल जाएगा यहाँ पे। स्प्रिंग ये देखो इधर स्प्रिंग बेचने लग रहा भाई, ऐसा जैसे वो होते हैं ना बीड़ी सिगरेट की दुकान लगा लेते हैं भाई, ऐसा सीन है इनका, यहाँ पे सब कुछ मिलता है यहाँ पे हमारा भाई। हम स्प्रिंग ले लो चाहे, एक ने भाई पानी के जहाज की स्प्रिंग रख रखी थी भाई, 500 किलो की एक स्प्रिंग थी भाई, वो इतनी भारी भारी स्प्रिंग रख रखी है भाई, उठाने के छोड़ो वो हिले भी नहीं भाई। ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती हैं यहाँ पे, हम भी देख रहे हैं भाई कोई बढ़िया पीस मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई खाली हाथ जाना पड़ेगा भाई। इन सब जगह पे देख लिया भाई, इनमें से इन सब पे देख लिया, लेकिन भाई जो हम आपने वीडियो में देखा ना लगाया हुआ भाई, वही पीस भाई समझ में आ रहा है, उसी के लिए देखते हैं भाई सही रेट बन जाएंगे तो भाई। वहां पे ना एक स्नेक वनेक वाला भी रखा है, अरे इनके पास में कई सारे रखे हुए हैं भाई। देखो मार्केट में जो कॉमन से हो गए ना अलॉय व्हील, वो यहाँ रखे हुए हैं काफी सारे, इनके पास में बहुत सारे ऑप्शन है पर सारे कॉमन है, कोई वैसा नहीं है जो कुछ यूनिक हो, तो हम कुछ यूनिक ट्राई कर रहे हैं भाई। देखो इनके पास में भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ भी आ सकते हो भाई, काफी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं इनके पास। अच्छा फोग लैंप वगैरह बम्पर वगैरह सब मिल जाते हैं, देख लो मतलब इतनी दुकान है, आओगे ना भाई एक। तो भाई पहले अपनी गाड़ी में ये वाले अलॉय व्हील लग रहे थे 16 इंच के भाई अपने, और हमने ये वाले जो इसमें टायर लग रहे हैं गुडियर के लग रहे हैं, तो भाई हम ये दे रहे हैं अपने, और इनका एक्सचेंज में भाई हम लगवाएंगे ये वाले अलॉय व्हील, ये वाले
अभी भाई हमें यही पसंद आया पूरी मार्केट में भाई, और कुछ भी ना है, बस यही पसंद आए हैं। देखते हैं भाई, बाकी भाई देखते हैं कि अपनी बलेनो कैसी दिखेगी फिर। तो भाई हम ये वाले अलॉय व्हील हमारे फाइनल हो गया, तो ये वाले जो टायर है ना ये निकलवा रहे भाई हम इसमें से, तो टायर में ना थोड़ा बहुत यहाँ पे कट वगैरह है, घिसा हुआ है ना फेंडर लाइनिंग में, तो इस वजह से चेंज कर रहे हैं। अब हम जो टायर डलवा रहे हैं वो डलवा रहे भाई ये वाले कैंडा के न्यू टायर है भाई, तो हम ये वाले डलवाएंगे पूरे, इनकी प्रोफाइल वगैरह हमने देख लिया तो ये टायर बढ़िया लगेंगे भी भाई इसमें। और बाकी आप लोग भी देख के बताना भाई कैसे लग रहे हैं, और मेहनत देखो भाई कितनी लगती है इसमें। पहले अपनी गाड़ी में ये वाले अलॉय व्हील लग रहे थे 16 इंच में, अब भाई हमने ये वाले अलॉय व्हील लगवाने भाई, तो ये हमारे हो गया भाई फाइनल। अब थोड़ी सी भाई रील वगैरह बनाने की तैयारी चल रही है। अंकल पक्का हवा नहीं निकलेगी ना इनकी? अरे निकल जाएंगी ना आपकी दुकान है, मतलब फिर बाद में पता है क्या होता है, एक बार सामान बिकने के बाद है ना कोई भाव ही नहीं देखता। आप ले आके शोरूम पे चेक करा लो। नहीं वो बात नहीं है, फिर बाद में पता क्या होता है, अलाइनमेंट वगैरह करवाएंगे उसके लिए टायर खुलेगा, फिर उसके बाद फिर हवा भरने में दिक्कत आती है। नहीं वो बात तो आपकी ठीक है, फिर उसके बाद में पता है कोई रिस्पॉन्स ही ना देता, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता। कहीं उल्टी सीधी दुकान पे गए होंगे आप, किराए वाले की दुकान पे, हमारी अपनी दुकान है, हमारा सारा होलसेल काम है भाई। चलो ठीक है वो तो देखते हैं। हो गया फाइनल अपना अलॉय व्हील वगैरह ये लगवा दिए भाई, देख रहे हो कितनी बल्की बल्की लग रही है भाई अपनी गाड़ी, ये देखना भाई अब लग रही है भाई कुछ चीज सी जात सी, इतने इतने टायर तो बाहर लग रहे हैं। तो भाई ये बताओ कैसा लगा? हाँ लेफ्ट लेना भाई, भाई बस दिमाग पूरा खराब हो गया, लास्ट में फाइनल हो गया काम, मजा बांध दिया। अलॉय कैसे लगे भाई? अलॉय भाई एक नंबर। आपको कैसे लगे भाई? मजा बांध दिया भाई। मैंने ना ये चीज देखी कि न्यू अलॉय व्हील है, और दूसरी चीज भाई क्या है कि दो तीन गाड़ियों में ही लगे हैं अभी तक भाई, वीडियोस वगैरह में जो देखा हमने करोल बाग में जो डाली है अभी, उन्होंने दो तीन गाड़ियों में लगाया अभी तक, तो बाकी भाई देखते हैं कि कितना नया कितना पुराना, बाकी भाई रिएक्शन आप देख ले। ये पब्लिक देखती हुई जा रही है भाई, गाड़ी में जितने भी बंदे जा रहे हैं भाई ये देख रहे हैं भाई ये जहाज किसका जा रहा है। भाई कैसे लग रहे हैं? मस्त लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। गुड़गांव से भाई ऐसा ही है सीन सिस्टम। मैंने आपको सारी चीज दिखाई और आपने ना भाई सारी चीज देख भी ली होगी, तो मैंने जो बोला ना भाई एक बार अलाइनमेंट वगैरह भी आप करवा लेना, लेकिन हमारे को तो भाई ट्रस्ट था बंदे पे इसलिए हमने अलाइनमेंट नहीं करवाया, बाकी हम घर जाके तो करवाएंगे भाई एक बार, क्योंकि हर गाड़ी के हिसाब से वो होता है, अलग अलग चीज रहती है ना, वेट वगैरह जो रहता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। और टायर वगैरह भाई, टायर और अलॉय आप बहुत भाई ध्यान से देखना और तब लगवाना भाई, टायर आपके सामने जब लगाए ना भाई बंदा हर चीज आप देखते रहना, कहीं से लीक ना हो कुछ ना हो भाई। मायापुरी में क्या होता है ना मोस्टली भाई, जिन लोगों को पता नहीं होता उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, बिल्कुल फ्रॉड होता है। फिर भाई वो लोग है ना ये बोलते कि भाई ये मायापुरी से अलॉय मत लो, ये मतलब भाई जहाँ 1 लाख रुपए की चीज तुमको 30-40 हजार रुपए मिल रही है तो भाई क्या दुख है, मायापुरी को एक्सपोज करते हैं फिर मायापुरी को भाई बेफालतू में। हम भाई एक्सपोज नहीं कर रहे, पर भाई जो चीजें रियलिटी है ना वो बता रहा हूँ भाई मैं आपको, के जो जो सावधानियां बरतनी चाहिए भाई मैंने वो चीजें बताई हैं, जो बिल्कुल सीधा बनकर आएगा भाई उसको लूट भी लेते हैं, और भाई जो मतलब देख देख के लेके जाएगा ना सामान को भाई वो अपने हिसाब से बहुत बड़े सामान लेके जाएगा। हाँ भाई हमने सारी चीजें देखी भाई, हमने ना इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए आपको, टायर किस तरह का होना चाहिए, गुड्डी कटा आप जानते हो, ये रिपेयर वाला रिमोव वाला जो आप मतलब जान नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है आप आगे सस्ते के चक्कर में यहाँ आगे सस्ता लोगे तो। और दूसरी बात ना भाई अपना टाइम निकाल कर जरूर आना, टाइम तो भाई सुबह आते हो ना तो शाम तक 5 बजे जाते हैं, सुबह ऐसे आए हुए हैं भाई, और अभी तक भी अगर हम जल्दी जल्दी ना करते ना तो भी हमारा काम अभी तक नहीं होता भाई, अभी हमने जल्दी जल्दी करके करवाया है, 10-11 बजे आए हुए और अब 5 बज चुके हैं और अब फ्री हुए भाई। और एक चीज हो रहा है भाई, जो हमने डिजाइन लगवाया ना भाई वो सच में बहुत अलग करके लगवाया हमने, तो हमारे भाई कितना खर्चा आया ये बताओ भाई? मांगने को तो इन्होंने 1 लाख रुपए मांगे थे, 1 लाख रुपए मांगे थे भाई, जेन्युइनली जो बात है ना भाई वो मरकरी टायर वाले के पास है ये वाले अलॉय व्हील, अभी तक आप देख सकते हो भाई उनके इंस्टाग्राम पेज पे जाके भाई, करते करते मुझे टोटल अप पे करे मैंने 29,000 रुपए इनको, और अपने जो पहले के अलॉय थे 16 इंची वो दिए, तो लगभग आप देख लो 60-65 हजार के टोटल ये पड़े हैं, और नए 1 लाख प्लस है दोस्तों ये। हाँ ये चीज है भाई, और हमने हमारे अलॉय व्हील जो दिए वो 35,000 रुपए के, यहाँ से राइट ले लेना, हमने अपने अलॉय व्हील दिए भाई 35,000 रुपए के, ठीक है, और ये वाले हमने
इसमें हमने मतलब टोटल 30,000 रुपए मान लो हमारे, 30,000 रुपए हमारे खर्च हुए, तो मतलब टोटल अगर हम बात करें भाई 65,000 रुपए में हमें ये मिले हैं अलॉय व्हील। और यही अगर अलॉय व्हील हम नए की बात करें ना भाई, और टायर भाई बताऊं मैं आपको, ब्रांड न्यू टायर है भाई, जिनके ऊपर वो लाइन होती है ना जो उनका कुछ रहता है, हाँ वो चीजें भाई अभी तक मिटी नहीं है, उसमें से कुछ भी नहीं, मतलब किसी ने चलाए भी होंगे ना तो 100-200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर चलाए होंगे, बस इतने चले हुए टायर है, और बिल्कुल बिल्कुल साफ टायर वगैरह मिले हैं भाई हमें। तो आप लोग को भाई अगर सही लगे और आपको नॉलेज हो तो भाई आके लगवाना, और जो जो चीज़ मैंने आपको बताई भाई वो चीज़ें ज़रूर फॉलो करना, वरना आप कट जाओगे भाई बेफालतू में, फिर आप लोग मुझे बोलोगे कि भाई मैंने आपको गलत चीज़ें बताई हैं, तो वो चीज़ होती क्या है ना, यूट्यूबर्स की ना ऐसे तैसी कर देते हैं लोग भाई, ये नहीं देखते आप है ना, ये देखा करो कि भाई बंदा बोल क्या रहा है, सारी चीज़ पहले समझो बंदा क्या बताना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, वो चीज़ें समझा करो भाई। कोई ना, बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।